मैं खदीर खान फतेह मोहम्मद खान रहता हूँ, मैं चंपा चौक शाह बाजार में। एक्चुअली मेरे घर में लड़के की शादी का प्रोग्राम था, तो बच्चे की भी ख्वाहिश थी, सबकी ख्वाहिश थी कि मुझे, मैं समझता हूँ 60% बाल कम हो गए थे मेरे सर में। तो मुझे किसी ने एडवाइस किया कि न्यू रूट क्लिनिक जो है तो अच्छा स्टाफ है, डॉक्टर सब मोस्ट एक्सपीरियंस वाले हैं और पूरे महाराष्ट्र में उनके ब्रांचेस है। तो मैंने तो ये कहा कि मुझे शुगर है, बीपी है, ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर मैं अपने फिजिशियन से कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि आप जाके उनसे एडवाइस तो लो कि वो क्या कहते हैं। मैं गया, डॉक्टर साहब का ओपिनियन लिया, डॉक्टर साहब बताया कि भाई ठीक है, आपको बीपी भी है शुगर भी है, बट हमारे लिए ये चीज़ पॉसिबल है और हम एक अपना इसको चैलेंज समझ कर हम इसके लिए कुछ करेंगे आपके लिए, आप फ्री मत कीजिए। मैं बोला ठीक है। फिर मैं हॉस्पिटल आया हूँ, डॉक्टर साहब मुझे चेकअप किए और मुझे 2 तारीख का अपॉइंटमेंट दे दिया है। मैं 2 तारीख को आया, दिन भर मेरी सर्जरी हुई और एकदम सक्सेसफुली, और मैं समझता हूँ स्टाफ भी वेल एक्सपीरियंस वाला स्टाफ था, बहुत कोऑपरेट कर रहे थे। और बोलना तो नहीं चाह रहा फिर भी इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी बहुत कम हॉस्पिटल में देखा गया कि लंच और ब्रेकफास्ट तमाम जूस चाय कॉफ़ी जो चाहिए सब फैसिलिटीज भी थी। और उसके साथ जो है तो उन्होंने मुझे कहा कि हम इसको जो भी आपका ऑपरेट करना है 2 दिन करेंगे। फिर 2 तारीख को, आज 3 तारीख को जो है 4 बजे तक मेरा सक्सेसफुली सब जो भी है ऑपरेट वो लोग करते रहे और अभी सक्सेसफुली सब हो गया हूँ और मैं आपके सामने बैठा हूँ। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हॉस्पिटल में बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनके पास है और बहुत अच्छे से लोग ऑपरेट भी करते हैं। जो बोलते हैं ना हेयर ट्रांसप्लांट का काम इनके पास बहुत अच्छा मुझे लगा है। मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर जो चाहते हैं कि अपने बाल पूरे जैसे जवानी में थे वैसे दिखना चाहिए तो उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर आइए और डॉक्टर साहब का जो एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा उठाइए। इसमें एक चीज़ आपको बता दूँ कि एक्चुअली ये जितना प्रोसीजर है इसको 2 दिन लगे हैं और जिसमें 6500 यानी 6500 ग्राफ्स का यूज़ हुआ है। जो कि उसमें खास बात थी कि मैंने इसके लिए पहले उलमा और अपने मुफ्तियों से एडवाइस दिया था कि मैं ये पॉसिबल है, शरीयत में जायज़ है नहीं जायज़ है, जिसको पूछा उन्होंने मुझे कहा कि कोई अपनी बॉडी की ही कोई चीज़ निकाल कर यूज़ होती है तो कर सकते। तो इसमें उन्होंने मेरे बैक साइड के जो बाल थे वो डोनर समझे, उसको डोनर करके वही बाल को निकाल के आगे उसको अप्लाई किया।